अपनी मांगों को लेकर महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर के चिकित्सकों ने भी राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर 2 घंटे ओपीडी बंद रखकर हड़ताल शुरू कर दी है, जो कि तब तक जारी रहेगी जब तक प्रदेश सरकार चिकित्सकों की मांगों पर गौर नहीं करती है। इसके लिए सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ओपीडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस दौरान ओपीडी के बाहर मरीजों की भारी भीड़ एकत्र हो रही है, जिस कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। चिकित्सकों की मांग है कि नए घोषित वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर, गैर अभ्यास प्रदेश चिकित्सकों के लिए भत्ता मूल वेतन का 25% दर से जारी किया जाए और मूल वेतन व एनपीए की अधिकतम सीमा पंजाब पैटर्न के अनुसार दिया जाए। तो हम हिमाचल में फॉलो करते हैं पंजाब पैटर्न का, जो भी कमीशन में रिविजन आता है। इस बार को जो 6th पे कमीशन रिवाइज हुआ है, उसमें जो पंजाब वाले डॉक्टर्स हैं, जब वो सीनियर हो जाते हैं तो उनका जो सीलिंग है, सीलिंग का मतलब कि उसके बाद पे आपकी बढ़ेगी नहीं, तो वो उनके लिए रखा हुआ उन्होंने 2,38,000 जो पंजाब पैटर्न बता रहा है। और हमारी सरकार में ये जो सीलिंग का लेवल है ये इन्होंने घटा के बना दिया है 2,16,500 रुपया, 20-22 हजार का हमारे लिए एक डायरेक्ट लॉस है ये। इससे जो लोग एंड तक नौकरी करना चाहेंगे तो थोड़ा हेजिटेट करेंगे कि मैं सीनियर बन के अगर मेरी पे ही नहीं बढ़ रही तो मैं आगे जॉब में क्यों जाऊं। हमारी मांगे जो है पूरे सर्व हिमाचल में है, एचएमओ एसोसिएशन की तरफ से हमने पेन डाउन स्ट्राइक रखा है 9:30 से 11:30 बजे, जो कि इसमें हमारे मुख्य मांगे ये है कि सबसे पहले तो जो हमारी वेतन विसंगति है जिसको हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे को जो पंजाब पैटर्न के तौर पर जो सैलरी का बेनिफिट मिलता है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो ग्रेड पे है उसमें जो हम नॉन प्रैक्टिस अलाउंस करते हैं बजाय पंजाब पैटर्न के है, हमें वो नहीं दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे कई कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं, उनमें जो उनका जो सैलरी है उसमें जो उनकी जो हाइक है उसमें जो बढ़ोतरी है 150% होना चाहिए। और जो हमारे सीलिंग का मुद्दा है, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके सीलिंग में और जूनियर डॉक्टर्स के सीलिंग में काफ़ी अंतर का जो एक विषय है वो भी नहीं है, और उसका जो बेनिफिट है वो भी हमें हाइक जो मिलना चाहिए था, जो कि अभी प्रेजेंट उसमें पंजाब के पैटर्न के ऊपर, क्योंकि पंजाब में ये सीलिंग जो है 2,38,000 की है और हमारी ये सीलिंग जो 2,16,500 रुपए की है, 20,000 का तो यही डिफरेंस है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रामपुर बुशहर से अतुल कश्यप की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।